एक ऐसा देश जहां पर 50% शादियां अपने ही चाचा के बेटे बेटियों से की जाती है। इस देश ने दुनिया को सिखाया कि एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और अली बाबा 40 चोर वाली कहानी भी इसी देश में लिखी गई थी। और यहां का टेस्टी टेस्टी खाना, यहां के रीति रिवाज, यहां का डांस, यहां के लड़कियों की खूबसूरती जो किसी से कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो करें। फिर हम चलते हैं इराक। इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इराक। देश की कुल आबादी 4 करोड़ के आसपास है। इराक एक इस्लामिक देश है जहां पर 73% लोग शहर में रहते हैं, तो वही 27% लोग गांव में रहते हैं। देश की औसतन उम्र सिर्फ 21 साल है। इराक की राजधानी का नाम बगदाद है और यही इस देश का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, इराक का अरेबिक में मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी की कोई कमी ना हो, जहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ हो और जहाँ पर हमेशा खुशहाली रहे। हालांकि इनमें से कोई भी बात इस देश पर मेल नहीं खाती, क्योंकि यहाँ पर पानी की भी कमी है और यहाँ की जमीन भी इतनी उपजाऊ नहीं है, साथ ही यहाँ के लोग भी इतने खुश नहीं है। ये है इस समय का इराक। दोस्तों, इराक का एक चिड़ियाघर है जिसका नाम है द बगदाद जू। ये दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ पर आज भी तकरीबन 600 से ज्यादा जानवर है, साथ ही कई तरह के पक्षी भी है। लेकिन साल 2004 के बाद से यहाँ पर लगातार जानवरों के मरने की खबर आती रहती है। इराक के लोग दो भाषा सबसे ज्यादा बोलते हैं, एक है अरबिक और दूसरी है यहाँ की लोकल लैंग्वेज कुदरत। यहाँ आने वाले टूरिस्ट लोगों को कम्युनिकेट करने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच में इंग्लिश ना के बराबर है। दोस्तों, इस देश का तेल और यहाँ का शहद सबसे ज्यादा पॉपुलर है और कमाई करने का सबसे बड़ा सोर्स भी है। शहद को बनाना और उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना, ये इराक के लोग का बड़ा कारोबार है। यहाँ से दुनिया के हर देश में शहद को भेजा जाता है। लगभग सभी इराकी परिवारों के लिए मधुमक्खी पालन करना खाने और इनकम का एक बड़ा जरिया है। इराक का खाना दुनिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर नॉनवेज की एक से बढ़कर एक आइटम्स बनाए जाते हैं। मीट बॉल यहाँ का सबसे फेमस खाना है, जिसमें मीट के टुकड़े को बॉल की तरह रोल किया जाता है। साथ ही हमारे देश की तरह यहाँ भी खाने में या खाने के बाद दही खाना पसंद करते हैं। ब्रेड पर हनी लगाकर खाना यहाँ के लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर है। दोस्तों, टाइगर्स और यूफ्रेट्स दो मुख्य रिवर्स हैं। ये नदियाँ इराक की जमीन को अधिक उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस देश में गन्ने, फल और कॉटन की भी बड़े लेवल पर खेती की जाती है, जिसे बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। एक और खेती जो कि यहाँ के लोग करते हैं, वो है तंबाकू की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इराक में नक्षत्रों के आधार पर भाग्य के बारे में बताने की शुरुआत बहुत पहले हो गई, और हमें अब तक यही लगता था कि भाई ये तो बस अपने देश के बाबाओं का आविष्कार है। साथ ही कहा जाता है कि इस देश में भी लोग अपने ज्यादा अपनी किस्मत पर डिपेंडेंट है। अगर किसी ने इन्हें कह दिया कि आप पैसे वाले बनने वाले हैं, तो आप समझिए यहाँ के लोग इस बात को सच भी मान लेते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर फेक बाबाओं का बड़ा मान सम्मान होता है। दोस्तों, ईरान की संस्कृति में डांस ने हजारों सालों से अहम भूमिका निभाई है। इस नृत्य शैली के लिए महिलाओं के बालों का लंबा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें बाल घुमाना शामिल है। दोस्तों, इराक ने दुनिया को एक से बढ़कर एक चीजें दी हैं, पर ऐसा नहीं है। इराक वो देश है जिसने पूरी दुनिया को ये बताया है कि एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आज भी हम इसी बात को मानते हैं। हम क्या, पूरी दुनिया इसी बात को फॉलो करती है। दोस्तों, दुनिया की लोकप्रिय कहानियों में से एक अली बाबा और 40 चोर की कहानी इराक में ही लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी। इराकी है दिनार। एक इराकी दिनार लगभग 20 भारतीय रुपए के बराबर होता है। इस देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इतना तेल है इस देश के पास कि एक कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की कमजोर लीडरशिप ने इस देश को कहीं का नहीं छोड़ा। तभी तो कहते हैं, इनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है।